फ्लैश कर रहे हैं चैम्बर के पाइप पे, रही कैसे इसमें से टपक रहा है आयल, आयल निकल रहा है कितना आयल निकला है, कितने भी से हम इसमें प्रेशर दे रहे हैं पेट्रोल पंप से, और CTC से हम इसको फ्लैश कर रहे हैं। ये CTC है और ये हम इसकी फ्लैशिंग कर रहे हैं, देखें आयल कितना आयल इसके अंदर भरा हुआ है। हम इसको चैम्बर को भी ऐसे फ्लैश कर रहे हैं, और ये हमने कंडेंसर के पाइप हैं, एक सिरा इसका ये रहा, हमने यहाँ पिन वाल लगाया हुआ है, और एक ये रहा। कंडेंसर को भी ऐसे ही फ्लैश करेंगे हम, और ऐसे ही ये चैम्बर को फ्लैश कर रहे हैं। ये देखें आप आयल देखें कितना इसमें से टपक रहा है, तो आयल कितना भरा हुआ है, इसको अच्छे से नाम से फ्लैश करेंगे, उसके बाद इसको हम गैस चार्ज करेंगे फिल्टर नया लगा के। ये देखें हमने इसको अच्छी तरह फ्लैश कर लिया, कितना सारा आयल निकला है। ये देखें हमने इसका, ये देखें कंडेंसर भी फ्लैश हो गया है, चैम्बर की लाइनें भी फ्लैश हो गई हैं, कैपिलरी भी। अब ये हमने देखें ये ड्रायर, बस अब हम इसको यहाँ पर ड्रायर लगाएंगे, ड्रायर लगा के फिर वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करके गैस डालेंगे। ये भी कंडेंसर का भी हमने पॉइंट जोड़ दिया है, और चैम्बर का भी पॉइंट, बस कैपिलरी और फिल्टर ये हमें यहाँ पर जोड़ना है। जी हमने इसको सिस्टम को पूरे को फ्लैश कर लिया है, कंडेंसर को भी फ्लैश कर लिया है हमने पूरा, और चैम्बर को भी अच्छी तरह CTC से भी और पेट्रोल से भी, दोनों चीज़ों से इसको अच्छी तरह हमने पहले फ्लैश किया है। उसके बाद भी हमने ये देखें ये चैम्बर का सेक्शन वाला पाइप कंप्रेसर का हमने जोड़ दिया है, और डिस्चार्ज का भी कंडेंसर वाला पाइप हमने यहाँ से जोड़ दिया है। कंडेंसर का दूसरा सिरा ये रहा, जिसमें ये ड्रायर लगेगा यहाँ से, और चैम्बर का दूसरा हिस्सा कैपिलरी ट्यूब ये रही, इनके बीच में यहाँ पे जैसे जॉइंट हो जाएगा, फिर हम आपको उसके बाद दिखाएंगे। और इस वक्त हमने कंप्रेसर चला के भी थोड़ा फ्लैश कर रहे हैं, यही कंप्रेसर इस वक्त चल रहा है, चला के देखें फ्लैश हो रहा है। अब देखें कोई ऑयलिंग नहीं आ रही, हाथ देखें बिल्कुल ड्राई है, कुशल। बिल्कुल।